स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। शुरू करेंगे मुरैना से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर भाजपा के विधायक कमलेश जाटव ने बड़ा आरोप लगाया है। कलेक्टर SP की गुंडागर्दी से महापौर का चुनाव हारे हैं, ये उन्होंने आरोप लगाया। कांग्रेस माइंडेड अफसरों की वजह से हमारी हार हुई। कलेक्टर और SP के खिलाफ कार्रवाई की हम मांग करेंगे, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जानकारी देंगे, ये आरोप कमलेश जाटव ने लगाया। कलेक्टर और SP के हमारे प्रति और हमारी पार्टी के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रहा। उनने सरेआम कांग्रेस माइंडेड के हिसाब से काम किया और कांग्रेसियों लोगों के लिए काम किया है। इस वजह से आज जो हमें हार का सामना करना पड़ा है, इसके मेन मुखिया मैं तो सबसे पहले अपने जिले के SP महोदय को और कलेक्टर महोदय को देता हूं कि उनके वजह से, उनकी गुंडागर्दी के वजह से इस हार का हमें सामना करना पड़ा है। सत्येंद्र हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ लाइन पर जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, जिस तरीके से आरोप एक विधायक लगा रहे हैं, विधायक अपने क्षेत्र के कलेक्टर और SP पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा के साथ काम किया, किस तरीके से देखा जाए इस पूरे मामले को? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो राजनीतिक गलियारों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और साफ तौर से स्पष्ट तरीके से देखा जाए तो अगर विपक्षी दल के नेता अगर आरोप लगाते हैं तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए अधिकारियों ने काम किया है। लेकिन जब सत्ता पक्ष का विधायक जो साफ तौर से स्पष्ट कह रहे हैं कि पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर जिस वे में गुंडागर्दी पर उतारू हो गए, तो जो गुंडागर्दी उन्होंने जिले में रहते हुए कर रहे हैं और किए, इस कारण से जो पार्टी को नगर निगम चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है। बड़ी मुश्किल से अगर देखा जाए तो नगर पालिकाओं के चुनाव में BJP ने अपनी इज्जत बचा पाई है, लेकिन नगर निगम का जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं इनको मुंह की खानी पड़ी है। इसका सबसे बड़ा जो पूरा दोष है, इस हार का सबसे बड़ा जो कारण निकल कर आया है, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि कलेक्टर और SP इसके पूर्ण जिम्मेदार हैं और उनकी जो जनता में बीच में ना जाना और जनता के प्रति जो गुंडागर्दी वाला भाव निकल के आया है उसके कारण से कहीं ना कहीं लोग जनता में आक्रोश निकल कर आया है, उस कारण से ये जो हार का सामना देखना पड़ा है। और साफ तौर से उसकी शिकायत वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर और प्रदेश के जो मुखिया शिवराज सिंह चौहान उनके साथ साथ संगठन में भी इसकी शिकायत करेंगे कि इस तरीके के अधिकारी जो कांग्रेस की मानसिकता से काम कर रहे हैं, कांग्रेस के पूरी तरह से कांग्रेस के लोगों का सहयोग कर रहे हैं, ये पूरा आज उन्होंने स्पष्ट तौर से जब पत्रकार साथियों का जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर जब वो वहां पर उन्हें ज्ञापन देने गए थे और उसके बाद उनका एक ये बड़ा बयान आना, ये बहुत बड़ी बात आ रही है स्पष्ट तौर से निकल करके। कहीं ना कहीं कलेक्टर SP पूरे जो चुनावी रणनीति रही है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा को बड़ा आरोप है, क्योंकि सत्येंद्र ये देखना होगा कि प्रदेश में भी BJP की सरकार है, विधायक भी BJP के हैं, ऐसे में अपने ही कलेक्टर और SP पर ही आरोप अगर कांग्रेसी विचारधारा का होने का लगाया है तो एक बड़ा आरोप है। इस जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र।